अस्सलाम वालेकुम वर्स, मैं हूं आपका होस्ट असनान मलिक और आप देख रहे हैं क्राउन टीवी चैनल। तो वर्स, आज मैं आपके लिए खैबर लेकर आया हूं जी। बहुत ही एंटीक पीस है और बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है जी। बिल्कुल लश कंडीशन में है, मैकेनिकली बॉडी वाइज हर लिहाज से ये गाड़ी आपको ज़बरदस्त नज़र आएगी। ये आप इस गाड़ी का रिव्यू देख रहे हैं। अंदर से गाड़ी टोटल जेन्युइन है, अपनी सीलों में है। बाहर से इसके छत पिलर डिगी जेन्युइन है। साइडें इसकी सिर्फ शावर्ड है, वो भी फ्रेश लुक के लिए। कोई जंग नहीं है, कोई पोटिंग नहीं है, कोई क्रैकिंग नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इस्लामाबाद की है और अलॉय रिम्स में लगे हुए हैं जी। टायर इसके तकरीबन वो मैं आपको दिखाता हूँ जी, 90% टायर हैं। ये इसके अलॉय रिम हैं और टायर तकरीबन आप देख रहे हैं जी 80 से 90% हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन गाड़ी है। ये हमारे नंबर हैं जी, अगर आपने कोई भी गाड़ी परचेज़ करनी है या फिर अपनी कोई गाड़ी सेल करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ जी। वाइट कलर में है जी और 1997 मॉडल है ये, आप देख रहे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है, फ्रेश लुक के लिए बाहर से शावर्ड की गई है बगैर प्रोटीन के। तो चलते हैं, इसका अब इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो गाड़ियां हैं जी, ये आपको नज़र आ रही होंगी। इन गाड़ियों की भी वीडियोस में आपको हल्की फुल्की बना के दिखाऊंगा, इनके रेट्स और मॉडल बताऊंगा। तो काफ़ी तादाद में हमारे पास गाड़ियां इस हफ्ते में सेल हो चुकी हैं। अब चंद एक गाड़ियाँ रह गई हैं जी, उनका मैं आपको रिव्यू दूँगा थोड़ा बहुत। तो पहले इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू मैं आपको देता हूँ। मीटर आप देख सकते हैं जी इसका, और डैशबोर्ड इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है। बेहतरीन सीट पोशिश है जी, नई सीट पोशिश हुई है। छत इसका बिल्कुल साफ है जी, और यहाँ से पिलर भी आप इसके देख सकते हैं, अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। टेप इसमें इंस्टॉल्ड है जी। डोर्स आपको दिखाते हैं, गत्ते इसके आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसके गत्ते हैं। अंदर से ये बॉडी आप देख रहे हैं जेन्युइन कंडीशन में है, और डोर की सीलें भी आप देख सकते हैं, ये डोर सीलों में है जी। राइट साइड का बैक डोर भी आपको दिखा देते हैं। ये भी अपनी सीलों में है। लेफ्ट साइड के डोर दिखाते हैं आपको। चाचा डिगी भी खोले, बानेट खोलो ना। लेफ्ट साइड का बैक डोर है, ये भी सीलों में है। बेहतरीन सीट पोशिश है इसकी। लेफ्ट साइड का फ्रंट डोर जी, ये भी सीलों में है। झड़पें इसकी जेन्युइन है। इंजन रूम आपको दिखाते हैं, जेन्युइन इंजन है जिसका अपना 1000 सीसी इंजन है, और फ्रंट पट्टी आप देख रहे हैं जेन्युइन कंडीशन में है। ये भी नीचे फ्रेम आप देख सकते हैं, फ्रेम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और जेन्युइन कंडीशन में है। कूपा इसका बेहतरीन, कोई जंग नहीं है, कोई क्रैकिंग नहीं है जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सामने चेसिस नंबर है जी, चेसिस प्लेट है। दूसरी साइड का कूपा आ गया जी। ऑल डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर है जी, और लाइफ टाइम टोकन पेड है। बैक ट्रंक भी इसका दिखाते हैं आपको। डिगी भी अपनी सीलों में है। चाचा के हाल हैं, ये हमारे चाचा हैं जी जो गाड़ियों के बॉनेट वगैरह खोलते हैं। क्या हाल हैं, ठीक हो? राउचा बोलो। आवाम कह रही है बड़े दिनों बाद आयो। बस के लिए क्या था ना? कितने उम्रे थे, नहीं गए थे? चाचा उम्रे पे गए थे जी, कल कह रहे हैं वापस आए हैं। तो मजाक इनके साथ चलता रहता है जी, ये हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं, हमारे साथ होते हैं। तो ये थी जी गाड़ी खैबर 1997 मॉडल, इस्लामाबाद की स्टेशन। तो जो ऑनर इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं जी, वो 6,80,000 है। बाकी आप मौके पर तशरीफ़ लाएँ।
आनर को आपके सामने बिठाएंगे, आमने सामने डील होगी, कोशिश करेंगे रेट में मुनासिब कमी हो जाए। वैसे तो खैबर आपको 3 लाख की भी मिल जाएगी, 3.5 की, 2.5 की भी मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन पे बात होती है 8 लाख की भी मिल जाएगी। कंडीशन पे बात होती है, लश कंडीशन में ये गाड़ी है, इसलिए इसकी डिमांड ये है। बाकी गाड़ियों में आपको दिखाता हूँ, ये मेरा सॉरी FX है जी, ये सेल हो चुकी है, पार्टी खड़ी है। बाकी मैं आपको चाहती गाड़ियाँ जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं वो दिखा देता हूँ। शेवरलेट है जी, 2004 मॉडल है और 6,90,000 इसकी डिमांड है। अंदर से ये गाड़ी जेन्युइन है, सीलों में है, बाहर से ये फ्रेश लुक के लिए शावर्ड है, छत इसका जेन्युइन है, छत पिलर बाहर से 50% आप इसे शावर्ड कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निसान मार्च आ जाती है जी, जापानी गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, 1000 CC इसका इंजन है और लाहौर की स्टेशन है, 1997 मॉडल है, 2007 की इम्पोर्ट है। ज़बरदस्त गाड़ी है जी, फैमिली कार है, गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं है। ऑनर जो इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं जी वो 8,20,000 कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक महरान आ जाती है जी, ये 2005 मॉडल है, ऑटोमेटिक गियर में है, लाहौर की स्टेशन है जी, साफ़ सुथरी गाड़ी है जी, नीट एंड क्लीन, और 6,30,000 इसकी डिमांड है। उसके बाद यहाँ पे महरान आ जाती है, 1998 मॉडल, मैरून कलर में है और इसकी जो डिमांड है जी वो 3,60,000 है। बाकी आप मौके पर तशरीफ लाएं, ऑनर को आपके सामने बिठाएंगे जी, रेट में मज़ीद कमी करवा कर ये आपको गाड़ी देंगे। चेरी क्यों क्यों हुआ है, 2005 मॉडल है, 2006 के स्टेशन है, LRM इसमें लगे हुए हैं, अंदर से सीलों में है, बाहर से ये थोड़ी बहुत शावर्ड है और अच्छी गाड़ी है जी, मैकेनिकली बॉडी वाइज हर लिहाज से। 6,30,000 इसकी डिमांड है, 2005 मॉडल है, 2006 के स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद दो गाड़ियाँ हमारे पास और, सुजुकी वैगनार है, जापानी गाड़ी है जी, 1997 मॉडल है, 2007 की इंपोर्ट है, 9,70,000 इसकी डिमांड है और जो इसकी स्टेशन है जी वो इस्लामाबाद की है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास फिर यहाँ पे मिनी पिजारो आ जाती है, 1995 मॉडल है, 2007 की इंपोर्ट है, मैनुअल गाड़ी है, अंदर से टोटल सीलों में है, बाहर से तकरीबन छत पिलर बानट जैनवन है, बाकी साइडें थोड़ी बहुत शावर्ड हैं और लाहौर का नंबर है, ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, मैकेनिकली गाड़ी 100% ओके है। इसकी जो डिमांड है जी वो 9.5 लाख है। उसके बाद जी यहाँ पे FX आ जाती है, 1985 मॉडल है और कराची की स्टेशन है जी, 1,70,000 इसकी डिमांड है, बाकी मौके पर मज़ीद कमी हो जाएगी। तो ये थी जी कुछ गाड़ियाँ जो हमारे पास बकाया रह गई हैं। बाकी अगर आपने कल की वीडियो देखी हुई या उससे पीछे परसों की वीडियो, तो उनमें जो गाड़ियाँ मौजूद थी वो अगर यहाँ पे मौजूद अभी नहीं है तो वो समझ लें कि वो सेल हो चुकी हैं। ये चंद गाड़ियाँ हमारे पास रह गई हैं, अभी इंशाल्लाह मज़ीद 2 से 4 दिनों में और गाड़ियाँ भी हमारे पास आएंगी। तो कल्याण मोटर्स के नाम से हमारा शोरूम है और न्यू गुलजारे कायद सर्विस रोड रावलपिंडी में वाक़ है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।